सेटी का क्वेश्चन होगा तो 4.2। हाँ हाँ कर, जल्दी करना, 5 मिनट के अंदर होना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, क्या की बने? रेट दिया हुआ है, हाँ रेट में दिया हुआ है सर, रेट के की वैल्यू दी हुई है, इनिशियल रेट रिएक्शन पूछा है, और फिर उसके बाद जब ए रेडियो हो जाता है, रेट रिएक्शन 0.06 है, हाँ तो सर उसका वो रेट रिएक्शन पूछा उसका। अच्छा ठीक है, करो। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ बेटा। प्रिया तेरा हो गया ते वाला क्वेश्चन? नहीं, 0.1 किधर चला गया? 0.1 जो था सर, 0.1 डिलीट किया चला रहे, टेंपरेचर पर -3 हो रहा है डायरेक्ट, तो पार्ट सेकंड क्या देखना है, आंसर करेक्ट है, चेक करो। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट तुम करते चलो, जो पार्ट सेकंड है ना, मोल लीटर कैसे, किसके साथ किसका इनटू होगा? सर ए लिया हुआ, बी लिया हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? क्या लिख रहे बेटा, यहाँ भी मिस्टेक होगी। रिड्यूस बाई 0.6 इक्वल टू 1 माइनस 0.6, इसका मतलब रिड्यूस बाई 0.6, उसका मतलब ये होता ही क्या है, रिड्यूस बाई 0.06 है, ये क्या लिखा है, रिड्यूस बाय और रिड्यूस टू, रिड्यूस टू, ये क्या कर रहे हो? हाँ उसको साफ करो, पूरे इक्वल के बाद वाले साफ करो, रिड्यूस टू दिस, देयरफॉर रिएक्टेड लिखो, देयरफॉर अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड इतना रिड्यूस हुआ तो कितना रिएक्ट किया, इफ काट दो, इफ काट दो, इफ जो लिखा है, ए रिड्यूस टू दिस वन, देयरफॉर अमाउंट रिएक्टेड, रिएक्टेड का स्पेलिंग क्या लिख रहे, के टी वी, ठीक से ही डिड लिट अनलेस में डी लिखो बेटा, 12th क्लास के हिसाब से सही से लिखो। हाँ बी रिड्यूस टू, रिड्यूस टू होगा,
क्या कर रहे हो, रिड्यूस टू हाफ दिस सन, क्या चीज है? तो हाफ हो जाएगा कहाँ? तो रिएक्शन को तो लेग टर्म में, रिएक्शन को लेग, क्वेश्चन में रिएक्शन दिया है ना? हाँ, तो क्या है ये, रिड्यूस टू थोड़ी होगी, क्वेश्चन में क्या दिया, रिड्यूस टू दी, अभी भी ठीक से नहीं समझ में बेटा। बी जो है, बी जो है ना, ये 0.4 रिएक्ट किया है, तो बी कितना रिएक्ट करेंगे, हाफ ऑफ 0.4, तो रिड्यूस टू क्या होगा, तो उस इक्वेशन के बी को हटाओ, बी को हटाओ, जो लिखा सब हटाओ, उसके बाद लिखो पूरा ही हटा दो जो चीज लिखे हो तुम, ये भी हटाओ, इसको भी हटाओ, उसके बाद रिएक्शन को नीचे लिखो, उसके नीचे। अभी ठीक से नहीं समझ में आए थे, देखो बोर्ड में आते हो तब जाके क्लियर होता है। उसके बाद लिखो ये रिएक्टेड 0.04, बी रिएक्टेड हाफ ऑफ 0.04, इसलिए कॉपी में तो कर लेते हो, लेकिन जब बोर्ड में आए तो बस क्यों रिएक्शन से पता चलता है। रिएक्शन को ऊपर से हटा दो, हाँ 6 मिनट 7 मिनट लग गए। हाँ अमाउंट ऑफ अमाउंट भी रिमेन, पहले भी उतना रिएक्ट किया था, अभी भी रिएक्ट उतना ही कर रहा है, रिएक्ट होगा रिमेनिंग होगा, तो क्या लिखते बी क्यों हटाने की जरूरत है? क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, रिड्यूस कितना वाले टॉपिक का? हां प्रिया सही है, क्या आएगा 0.06, क्या कर रहे हो, जितना रिड्यूस होता है उसी हिसाब से, पहले क्वेश्चन में दिया था उसका रिड्यूस 0.06, उसके ऊपर से सही करो, और इसका रिड्यूस हो गया रिमेनिंग जो है, इसका रिमेनिंग इतना, उसका रिमेनिंग उतना था। अभी ठीक से मतलब कैसे भी आंसर मैच कर देते, कॉपी में कभी कभार गलत चेकिंग भी गलत हो जाती है। क्यों उसी जगह बीच में करते कैलकुलेशन, साइड में करो, कोई भी कहीं भी कचरा डाले। कितना आंसर है चेक करना भाई, बुक से चेक करो, तुम्हारा भी गलत हो सकता है। आकाश तो कैसे भी आंसर मैच कर देंगे, 3.89 × 10⁻¹⁹ मोल पर लीटर पर सेकंड, और तुम पहले मान लो 0.06 या 0.04 लेते तभी भी तुम्हारा आंसर ही आता, उसके रॉ पावर को उसे बीच में लाइन खींचो,
दस मिनट लगा लिए एक क्वेश्चन करने में दो नंबर की, ठीक है। चलिए तो पता है क्या क्या है क्वेश्चन के बारे में बताइए, कहाँ का मिस्टेक हुआ था तुम्हारा? तो ये इतना बचा है 0.06 ए का, तो इसका मतलब पहले वो कितनी थी, 0.1 था, तो उतना रिएक्ट किया, तो बी कितना रिएक्ट किया था उसका आधा, तो बी उतना रिएक्ट किया, तो बी का बचा कितना 0.18, जो बचता है उसके हिसाब से रेट होती है ना। तो जब इतना मोल पर लीटर था तब उसका रेट दे कितना है पता चल गया। उसके बाद क्या पूछा? कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर ए रिड्यूस बाय 0.06 मोल, रिड्यूस बाय रिएक्शन, जब ये इतना होगा तब क्या रेट होगा, तो ए का 0.06 होगा तो बी का कितना होगा, बी का कितना हो जाएगा वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं 0.01, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।